प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं अभी होकर के भी आई, मैं सुबह, मैंने अभी आपको बताया अभी लाइव स्टार्ट होने से पहले कि आज मेरे सर पर कोट भी था, और मोदी जी की स्पीच मैं कभी छोड़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे जाना भी था देखने के, उनको सुनने के लिए, और न्यूज चैनल्स भी थे, तो थोड़ा सा एक हेक्टिक शेड्यूल था। और जिस हिसाब से जहां पर वो हावड़ा में वो इनॉग्रेट कर रहे थे, मैं वहां पर मौजूद थी, और इतनी खुशी हो रही थी आरजू जी, इतनी खुशी हो रही थी कि पश्चिम बंगाल जो बहुत ही पिछड़ा हुआ हो चुका है, जो लेफ्ट फ्रंट ने इसको पूरा निचोड़ दिया, फिर ममता सरकार ने तो पूरा मतलब मिनी पाकिस्तान ही बनाने की पूरी कोशिश कर चुकी है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में जहां पर संदेश खाली की माँ बहनें रो रही हैं, फिर भी एक पॉजिटिव साइन दिखाई दिया कि आज मेरा पश्चिम बंगाल जहां पर इनॉग्रेशन हुआ है, वहां से मात्र 18 मिनट की दूरी पे मैं बैठी हुई, मात्र 18 मिनट की दूरी पर, लंदन इंग्लैंड में है अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, उसके बाद फिर आपका जर्मनी में है, न्यू जर्सी में है, कनाडा में है, साउथ कोरिया में है, उसके बाद फिर आलमबा में है, तो ऐसे कई जगह में, स्वीडन में है, आइसलैंड में है, यूएसए में है, इजिप्ट में है, स्विस में है, तो ऐसे कई, नॉर्वे में है, जापान में है, टोक्यो में है, बोस्टन में है, उसके बाद फिर चाइना में है, कोरिया में है, तो ऐसे जगहों में जहां पर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन हुआ करता था, आज भारत में पहला स्टेट, पहला राज्य है जहां पर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन हुआ है। और जिस हिसाब से बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों से के साथ इंटरेक्ट करते हुए मोदी जी दिखाई दिए हैं, और मोदी मोदी का जो नारा लगा है, और लोग जो है पश्चिम बंगाल के, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को भूल करके, सारे दुख दर्द को भूल करके इस अचीवमेंट को, इस खूबसूरत लम्हे को कैप्चर किया है उन्होंने, और अपने आप को ये सोचा है कि भाई अब की बार तो 400 पार ही होगा, और 411 तो पक्का है, क्योंकि जो चीजें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक राज्यों को दे रहे हैं, वो इससे पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इतना ऊंचा भारत के लिए सोचा ही नहीं था। बहुत खुशी हुई कि आज एक तरफ जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने इनोग्रेट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट का उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, बहुत सारे मील्स है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, उसका भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कई प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग के लिए भी उन्होंने बात की, हरी झंडी भी दिखा दी, और साथ ही साथ अपने स्पीच के बाद उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से गौरतालाब भी किया। जिस हिसाब से मोदी जी के हाथ कांप रहे थे उन महिलाओं की बात सुन करके, उनके आंखों में जो दर्द और उनके आंखों में जो आंसू दिखाई दे रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बहुत पास से देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि दूर से एक आवाज आई थी एक कश्मीरी औरत की कि भाई कश्मीर की बेटियां मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब पश्चिम बंगाल की बेटियां भी निर्भया नहीं होंगी, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद जब कश्मीर की औरतों पर और महिलाओं पर और बेटियों के सर पर आया, तो कश्मीर की बेटियां जब इतनी इम्प्रूव और डेवलपमेंट हो सकती हैं, तो अब हमारे पश्चिम बंगाल की बेटियां भी पंख लगा करके आकाश में उड़ सकती हैं। तो दोनों चीजों को जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने बैलेंस कर करके चीजों को उन्होंने दर्शाया, और उन महिलाओं को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिस तरह से भारत का पहला अंडर वाटर रेलवे स्टेशन जो उन्होंने इनोग्रेट किया, वो हमारे लिए, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इमोशनल थी आज के दिन। बिल्कुल ऐसा ही आपने बात की मलाला की, और यकीनन वो बात आप कर रही हैं, याना मीर ने बात की थी लंदन में जाके, और बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी भी बात पूरी दुनिया ने सुनी। लेकिन एक चीज और मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी नाज़िया आपसे, कि अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो है वो हो रही है इंडिया में ही, और पहले ये होता था कि हम देखते थे जितने बड़े बड़े लोग थे वो कहीं ना कहीं बाहर जाके शादी करते थे। ये भी बात की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी आप इंडिया में ही या भारत में ही शादी करें, ताकि सारी जो भी खर्चा हो वो भारत के अंदर ही हो। क्या इसी वजह से वो शादी ऐसे कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं कोई और रीजन भी हो सकता है?
बहुत बड़े बड़े लोग आए वैसे उनकी शादी में। मोदी जी ऐसा क्यों कहेंगे कि खर्च यहाँ का यहाँ रहे, ऐसा तो वो कह नहीं सकते। हर इंसान का अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो अब क्या पश्चिम बंगाल में मुझे बोला जाएगा कि तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, सिर्फ हाई कोर्ट ही प्रैक्टिस करोगे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक संदेश, एक इंफॉर्मेशन, एक अपनी बात को मोदी जी ने रखा था कि जब मेक इन इंडिया हो सकता है तो वेड इन इंडिया भी हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने मालदीव्स वाले सिचुएशन पर उन्होंने कहा था लक्षद्वीप को लेकर के, तो उसी तरीके से वेड इन इंडिया भी हो सकता है। और मेरा भारत इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, आप कश्मीर चले जाओ, आप अंडमान चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बंगाल चले आइए, आप बॉम्बे चले जाइए। बॉम्बे तो जाने के बाद लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में, हम भारत में, जिस तरह से बॉम्बे दिखता है अब, या आप साउथ गोवा चले जाओ तो इतनी खूबसूरत जगह है। अब अगर अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी के लिए इंडिया को ही चूज किया, भारत को ही चूज किया, तो मैं उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने भारत को चूज किया है और उन्होंने अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात का लिहाज रखा है और उसको सर पलकों पर रख करके अंबानी जैसे लोग जो अभी के जमाने में मतलब राजा महाराजा है, तो वो अगर अपने अपने बेटे की शादी, अपनी औलाद की शादी अगर भारत में करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये नंगे नुच्चे बॉलीवुड के लोगों को भी पहुंच रहा है, जो बिकिनी पहन पहन करके इधर उधर नाचती फिरती रहती हैं, या आपके पाकिस्तान की जो क्या नाम है उसका, गोरी सी एक लड़की है, वो अपना बर्थडे मनाने के लिए बोट पर चले जाती है और अजीब से कपड़े पहन लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत एक इन्फॉर्मेशन है कि जब अंबानी जी की फैमिली भारत को चूज कर सकती है, तो बॉलीवुड में रहने वाले जितने भी नंगे नुच्चे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको भी भारत को चूज करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो दूल्हा है, अंबानी जी का जो बेटा है, उसने जिस हिसाब से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने सनातन धर्म के बारे में बात की है, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, हैट्स ऑफ, बहुत मुझे अच्छा लगा। और जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि वो भारत में, जो एक्टर जैसे आमिर खान, ये लोग कहा करते थे कि वो भारत में सिक्योर नहीं है, उनको सामने बैठा करके जय श्री राम का नारा लगा दिया और शाहरुख खान भी उछलते कूदते आकर के जय श्री राम उसको बोलना पड़ा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भारत में रहने के बाद तुम भगवान राम को नहीं मानोगे तो क्या नारे तकबीर बोलोगे? तो जिसको नारे तकबीर बोलना है वो पाकिस्तान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आपको मेरी तो पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान भेजना शुरू कर देती हैं आप। नहीं, शाहरुख खान और सबको मैंने जय श्री राम बोलते पहले भी देखा है और कोई गलत मतलब नहीं है, पाकिस्तान के लोग जय श्री राम बोल सकते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पर क्रिश्चियन नहीं रह सकते, जहाँ पर हिंदू नहीं रह सकते, जहाँ पर बौद्ध नहीं रह सकते, जहाँ पर ईसाई नहीं रह सकते, जहाँ पर जैन नहीं रह सकते, इवन शिया नहीं रह सकते, अहमदी नहीं रह सकते, बरेल भी नहीं रह सकते, वहां पर जो नारे तकबीर बोलेगा, जो जिहाद को एक्सेप्ट फॉलो करेगा, जो 72 वर्जिन गुरुओं को फॉलो करेगा, वही रह सकता है। तो जिसको जिसको भारत में, जिन मुसलमानों को भी भारत में डर लग रहा है, वो जा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में सब इस माइंड सेट के नहीं रहते। और अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ था, ये जो इंसिडेंट था जिसमें वो ड्रेस वगैरह के पीछे पड़ गए थे, उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर सामने आई थी, उस पुलिस ऑफिसर का अगर आप इंटरव्यू देख लें, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने उनका इंटरव्यू लिया इंटरनेशनली, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बात कर रही है और किस तरह से हम इस चीज को खत्म करने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक 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 एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में वो कम हो, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नेशनल न्यूज पे इस बात को कहा है कि मैं उस पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करती हूँ कि महिला होते हुए भी बिना डर के और बिना किसी संकोच के उन्होंने महिला का सपोर्ट किया और पहली बार ये पाकिस्तान में हुआ है, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस मौलाना ने बैठा करके उसके नाक रगड़वाए, उसको भी तो पैजामा खोल के मारना चाहिए था ना भैया। वो है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीजें चेंज होंगी, इस किस्म के लोग सामने आएंगे और पाकिस्तान में सब एक माइंडसेट के नहीं रहते। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी है, यहाँ पे वो मौलाना भी है जो मंगवा रहा था, यहाँ पे मैं भी रहती हूँ, यहाँ पे और लोग भी हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो नाजिया आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अच्छी बात है, मैं तो उस पुलिस ऑफिसर को देख के भी काफी मुझे होप हुई कि शायद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तमाम बेटियों को उस पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए जो डरती हैं, जिनको अभी देखिए ना,
कुछ कुछ यूट्यूबर्स को भी कितना पकड़ करके मारपीट कर देता है, बहुत कुछ होता है ना, तो ये गलत है ना भाई। इंसान स्पीच है, तुम उसको बोलने दो, तुम उसको सब कुछ करने दो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी, मैं अल्लाह प्रिंट किया हुआ क्या कपड़ा नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती है, कौन मुझे मना करेगा। और जहां से लिया वो भी तो सऊदी अरब से ही खरीदा ना, वहां पे क्या देंगे, इस्लाम मजे की बात तो ये कि जहां से वो लेकर आई थी बेचारी। आरजू जी होता क्या है ना कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना, ये पैगाम रसूल वाले मुसलमान नहीं है, ये पैगाम मुगल वाले मुसलमान है, इसीलिए चिटिंग बाज दिखाई देते हैं। ऐसा ही, और जहालत है इनकी कि खत्म होने में नहीं आ रही, लेकिन खैर हम लोग फिर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िया कैज, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के सवाल और नाज़िया लाई खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों महिलाओं ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में कलकत्ता में एक अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, खासकर मोदी जी के जो 10 साल का काम है इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि जाते जाते जिस तरीके से नाज़िया खान जी ने जय श्री राम कहा, वो हमारे दिल को छू गया। तो चलिए आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए जय हिंद जय भारत।